हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रैल मंथ करंट अफेयर जो कि मंथली वीडियो रहती है हमेशा सो जनवरी फरवरी एंड मार्च मंथ के करंट अफेयर्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है एंड आई होप कि मैंने उस पर प्लेलिस्ट भी बना दी है तो आप प्ले में भी जाके प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर देख सकते हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस मंथ करेंट अफेयर का जो एक डाउट था जो बाय मिस्टेक गलत आंसर हो गया था सो so क्वेश्चन था कि कंटेनर शिप जो कि ब्लॉक्ड हो गई है सो इस कैनाल में उसका नाम पूछा गया था सो so उसका जो नाम है दैट इज द एवर एवर ओके दिविन नॉट ग्रीन एवर गिविन इज द नेम ऑफ द कंटेनर शिप विच वॉज ब्लॉक्ड इन द स्व कैनाल सो ऐसे ये ब्लॉक हो गई थी थोड़ी तिरछी हो गई थी तो इस स्विस कैनाल में ब्लॉक हो गई थी अब ये जो कंटेनर शिप है दैट इज ऑपरेटेड बाय द एवर ग्रीन मेराइन कॉर्प सो जो कंटेनरशिप है उसका नाम है एवर गिविन एंड दिस इज ऑपरेटेड बाई एवर ग्रीन ओके सो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने मिस्टेक किया है सॉरी फॉर दैट नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कम टू द अप्रैल मंथ करेंट अफेयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैजन दंचायत पुरस्कार टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट को इस साल का ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड दिया गया है So, correct answer for this question is option D, उत्तर प्रदेश And last year, जो ई पंचायत अवार्ड है वो दिया गया था हिमाचल प्रदेश को नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू हु ऑथर ऑफ द बुक द लिविंग माउंटेन सो ये जो न्यूली रिटर्न बुक है इसके ऑथर है अमिताभ घोष सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अमिताभ घोष जो है एक ज्ञानपीठ अवार्ड विनर भी हैं जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है सो ज्ञानपीठ अवार्ड ही है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एम एन प्रोस्पेक्ट से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो लिविंग माउंटेन बुक है दैट इज रिटेन बाय होम सो ऑप्शन इज अमिताभ घोष करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री विच नेशन हैज रजिस्टर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड नाइनटीन वैक्सीन फॉर एनिमल्स तो इनमें से कौन सा देश है जिसने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है वैक्सीन के लिए एनिमल्स को देने के लिए

सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम है दैट इज बिल्डिंग फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरी वन सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर लास्ट ईयर 2020 की जो थीम है वो भी इम्पोर्टेंट है कोविड से रिलेटेड है सो so इस बार जो लास्ट ईयर की थीम थी वो थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच कंट्री होल्ड द यू फूड सिस्टम समिट डायलॉग थाउजेंड सो so, इनमें से कौन सा नेशन है जो कि होस्ट करेगा यूएन का जो फूड सिस्टम समिट का जो डायलॉग है टू का सो दिस का सो दिस इज ऑर्गेइज्ड बाई यूनाइटेड नेशंस एंड होस्टेड बाई इंडिया सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बाई इंडिया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स विच कंट्री बिकेम्स द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल फ्रेम्स So, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि पहली कंट्री होगी ये क्लाइमेट चेंज पर फाइनेंस लॉ लाने के लिए नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज न्यूजीलैंड सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विच इज बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द क्लाइमेट चेंज लॉ लॉ ऑन क्लाइमेट चेंज नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन विच नेशन हैज बिकेम द सेकेंड वर्स्ट हिट बाय कोविड नाइनटीन इन द वर्ल्ड सो ड्यू टू दिस सेकंड फेज जो इंडिया है वो बैडली इफेक्ट हुआ है एंड इंडिया बिकेम्स द सेकेंड वर्स्ट हिट बाय कोविड नाइन्टीन दिस ईयर सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इंडिया सो इसका जो ऑर्डर है फर्स्ट नंबर पे जो मोस्टली इफेक्टेड है दैट इज यूएसए ब्राजील को पीछे छोड़ के इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है ब्राजील इजन थर्ड नंबर सो ब्राजील थर्ड पर है फर्स्ट पर है यूएसए एंड सेकंड पर है अपना भारत नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट विच नेशन हैज़ एडेड इंडिया टू इट्स ट्रैवल रेड लिस्ट नाउ ड्यू टू कोविड नाइनटीन क्राइसिस यूके ने काफ़ी सारी फ्लाइट्स जो डिफरेंट नेशन से आ रही हैं वो सारी बंद कर दी हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है तो इंडिया भी उनमें से एक देश है तो इसलिए इंडिया को भी यूके के ट्रैवल रेड लिस्ट में शामिल किया है जिसमें आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश भी एडेड है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी यूके किंगडम so या फिर ब्रिटेन ने ऐड किया इंडिया को टू इट रेड लिस्ट में फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द टू कॉन्सिक्यूटिव गोल्ड मेडल्स इन द एशियन चैंपियनशिप एश हीस फिफ्टी नाइन के जी टाइटल इन अलमार्टी कजाकिस्तान सो अलमार्टी इज इन कजाकिस्तान प्रीवियस कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान आपसे पूछा है कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने कॉन्जिक्यूटिवली दो गोल्ड मेडल्स जीती है एशियन चैंपियनशिप में सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज सरिता सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल्स जीते हैं इसलिए और वो भी एशियन चैंपियनशिप में इसलिए इंपॉर्टेंट है ओके okay? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटा बेस पब्लिश बाई इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिपरी बोलते हैं विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर तो अकॉर्डिंग द स्टॉक ऑम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो किस किस नेशन का है सबसे ज्यादा मिलिट्री में खर्चा कौन सा देश करता है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज़ यूएस ए एट नंबर वन पोजिशन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पर है ओके सेकेंड नंबर पर है चाइना चाइना इज एट सेकेंड पोजिशन एंड इंडिया इज एट थर्ड पोजिशन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वियर बॉट्स वियरबोट्स इसके जो ऑथर हैं वो कौन है करेक्ट आंसर इज द फेमस अमेरिकन ऑथर जुम्पा लहरी सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट लज्जा इनकी एक फेमस है लज्जा भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछी गई है लज्जा इज रिटन बाय जुम्पा लहरी एंड मैनी अदर बुक्स रिलेटेड टू वुमेन और टॉपिक रिलेटेड टू वुमेन्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वट इज द थीम फॉर दिस ईयर वर्ल्ड मलेरिया डे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जब मैंने आपको प्रोवाइड किया था आपको जो करंट अफेयर सॉरी थीम्स एंड डेज पर जो वीडियो प्रोवाइड किया था रिसेंट वाला वो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मलेरिया डे की थीम है उसका भी थीम मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिकली अनाउंस किया गया हो तो अब क्योंकि अब मे चल रहा है और आ, और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है मलेरिया मलेरिया डे तो इसलिए इसकी जो थीम है वो रिलीज कर दी गई है उसमें मैंने डाउट में बोला था कि ये डाउट है इस पर अभी जो मलेरिया डे की थीम है 2021 की ये फिक्स है दिस इज इम्पॉर्टेंट जो थीम है दैट इज रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट

वरुण जो इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करें कहेंगे एक नेवल एक्सरसाइज है वरुण उसके बाद गरुण जो की एयरफोर्स की एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस एंड वरुण होगी गरुण हो शक्ति शक्ति वरुण गरुण तो ऐसे आपको याद रखना है मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने प्रोवाइड कर दिया है वीडियो वहां पर देख सकते हो आप शक्ति वरुण गरुण आर द थ्री मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज और द मेन मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन रिसेंटली सर्विस सेंटर इनडायरेक्टली इंडिया का एक जो सोलर जो लूनर मिशन है ठीक है उसके लिए एक डाटा बेस तैयार किया गया है तो इसका नाम क्या है सोलर स्पेस मिशन के लिए सो so, इसका करेक्ट आंसर इज आदित्य एलवन सो दिस इज द इंडियाज फर्स्ट सोलर स्पेस मिशन दैट इज आदित्य एलवन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये काफ़ी न्यूज़ में भी है पिछले पिछले से पिछले से पिछली बार भी ये न्यूज़ में आया था तो इसलिए ये पुराना है लेकिन आपको बस नाम याद रखना है इसका नाम है आदित्य एलवन नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स टू इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए उसको भी प्रिपेयर करना है मेनली जो इंडेक्स हैं आपके एजुकेशन हेल्थ पॉवर्टी है ना ये जो मेन मेन इंडेक्स हैं वो आपको याद रखने हैं सो so, जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है 2021 का इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज एटी सेवेंथ इंडिया रैंक एट एटी सेवेंथ इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रिसेंटली डब्ल्यू एच ओ अनवील्ड या अनवील्ड ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटर्जी टू सेव फिफ्टी मिलियन लाइफ्स बाइ विच ईयर

वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए ये पहली इंडियन हैं और एशियन वुमेन भी हैं जिस जिस जिन्हें इस अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है अवार्ड दिया गया है वाइल्ड इनो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी कीर्ति के कारनाथ एंड ये डॉक्टर हैं बेंगलोर से बेसिकली एंड कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं तो इंपॉर्टेंट है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड क्योंकि फर्स्ट इंडियन है एंड एशियन वुमेन भी पहली है ओके okay? सो डॉक्टर कीर्ति केनाथ के कारनाथ चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट फ्रॉम बेंगलुरु नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर रोवर ऑन विच हैज मेड ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लान कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर तो जो नाशा नासा का जो मिशन है अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा उसका जो मिशन है परजिवरेंस उसने इस रोवर के थ्रू ये एक मिशन है जिसमें एटलीस्ट फॉर टेन मिनट टेन मिनट के लिए एक ब्रीथेबल ऑक्सीजन का यू नो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए या बनाई है मार्स पर जाके सो so, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज मार्स सो साइंटिस्ट ने क्या किया है टेन मिनट्स के लिए एक ब्रीथेबल ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट्स सो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट वाली है उससे इन्होंने ऑक्सीजन बनाई है नेक्स्ट इज क्वेश्चन इन विच कंट्री द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉज हेल्ड सो इनमें से कहाँ वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट करें कहाँ होगा सो करेक्ट आंसर इज पोल्ड ऑप्शन बी सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप है अगर चैंपियनशिप पूरा ओवरऑल होता वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप तो इम्पोर्टेंट रहता नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इम्पोर्टेंट है द फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन विल बी हेल्ड इन विच स्टेट और सिटी सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द फोर्थ खेलो इंडिया एडिशन ऑफ यूथ गेम्स हेल्ड इन हरियाणा सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हरियाणा के जो पंचकुला है वहां ये ये होस्ट किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी नंबर ट्वेंटी

इनको मैरी कॉम को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बाई यू ए टू द मून सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यूनाइटेड अरब एमिरेट इट्स रोवर राशिदेंड ट्वेंटी टू मतलब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर रिसेंटली द फॉर्म आरबीआई गवर्नर पास अवे इन हैदराबाद ड्यू टू कोविड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब जिन बच्चों ने टू थाउजेंड ट्वेंटी में क्वेश्चन दे पेपर देखा होगा या दिया होगा एग्जाम उनके पता होगा कि ऑबिजरीज से क्वेश्चन जनरली जो कोविड नाइन्टीन के थ्रू कोविड नाइनटीन की वजह से जिसकी डेथ हुई है जिस फेमस पर्सनैलिटी की वहां से क्वेश्चन पूछे जाते तो दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और हंड्रेड परसेंट ये क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी सेट में तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले क्वेश्चन इज रिसेंटली कौन से है जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं जिनकी डेथ हो गई कोविड कोविडीन की वजह से हैदराबाद में सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एम नरसिम्हा सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट नाइन एटी के बैच के ऑफिसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर एज के एज uh, पर इनकी डेथ हुई है विच फिल्म हैज़ द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन बाफ्टा अवॉर्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स से जो अवार्ड दिया गया है जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है दैट इज नो मेलैंड सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नो मैन नो मे नो मैंड या नो लैंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच कंपनी एक्वाइड हंड्रेड परसेंट स्टैक इन क्लियर आर्ट क्लियर ट्रिप हंड्रेड परसेंट क्योंकि पूरा हंड्रेड परसेंट जो शेयर्स है वो फ्लिपकार्ट ने ले लिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकते हैं किस कंपनी का हंड्रेड परसेंट शेयर ले लिया है सो so इसका करेक्ट आंसर है फ्लिपकार्ट सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच कंट्री होप टू लॉन्च इट्स ओन ऑर्बिटल स्टेशन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तो इनमें से किस कंट्री ने ऐसा डिसाइड किया है कि अपना खुद का एक ऑर्बिटल स्टेशन लॉन्च uh, करेंगे 2025 तक सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए रशिया रशिया हैज डिसाइडेड टू लॉन्च इट्स ओन ऑर्बिटल स्टेशन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ऑर्बिटल स्टेशन बेसिकली अर्थ से काफी मतलब uh, जो जो एक बोलते हैं ना कि अर्थ uh, से काफी दूर जाने पर एक एग्जिट ऑर्बिट आती है तो इनर ऑर्बिट में ये ऑर्बिटल स्टेशन बना मतलब uh, छोड़ा जाता है अर्थ से वहाँ पर उस स्टेशन में साइंटिस्ट रहते हैं और बेसिकली ऑब्जर्व करते रहते हैं स्पेस में क्या क्या चीजें हो रही हैं सो so, अभी तक यूएसए के पास है ऑर्बिटल स्टेशन मिशन अपना रशिया ये लॉन्च करना चाहता है खुद से खुद का एक Next is question number 27. Diksha web portal is associated with which country important? Hai, sorry, which, with, with which ministry? Diksha web portal, kis ministry ye to launch kiya Correct answer for this question is Ministry of Education. So, option A e is the correct answer. This is basically the online platform for uh, teachers training. Teachers, uh, teachers ko training dene ke liye ek online platform hoga. Next is question number 28. What is the theme of this year's World Heritage Day? टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो दो हजार इक्कीस की ये दो हजार इक्कीस छुप गया है नो no प्रॉब्लम जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है दो हजार इक्कीस की इस बार की जो थीम है वो क्या है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स पास डायवर्स फ्यूचर्स एंड वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एटीन ऑफ अप्रैल इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेरिटेज डे सेबरेटेड एवरी ईयर ऑन एटीन ऑफ अप्रैल सो द थीम इज कॉम्प्लेक्स पासवर्स फ्यूचर्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर रिसेंटली रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री तो इनमें से किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपॉइंट हुए हैं फैम मिन द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज वियतनाम वियतनामें मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कोई न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं उस कंट्री की आपको कैपिटल एंड करेंसी याद होनी चाहिए सो so, ऐसे ही वियतनाम वे, के अपॉइंट हुए वे तो वियतनाम की जो कैपिटल है दैट इज हनोई हनोई एच एन वाई हनोई एंड करेंसी यहाँ की है डोंग डी ओ एन जी सो करेंसी इज डोंग एंड कैपिटल इज हनोई नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी द बिलीफ सॉरी जो बुक है बुक का नाम द बिलीफ व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर Very important question. Very, very important question. This Autobiography. A. Correct answer is Suresh Raina. So, option A is the correct answer. Believe what life and cricket taught me. Okay. The test of my life is an autobiography of which cricketer? You have to comment me in the comment box. The test of my life. Next is question number 31. ऑथर ऑफ द बुक द क्रस्ट इनहरिटेज इनहारिटेंस जो बुक है द क्रस्ड इनहारिटेंस इसके ऑथर कौन है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एज यू कैन दिस पिक्चर करेक्ट आंसर इज सुतपू बासू सुता सुतापा बासू सॉरी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी टू रिसेंटली जोसेफ जोथ अनाउंसड हिस्स रजिस्ट्रेशन रेजिग्नेशन एज पी एम ऑफ विच कंट्री सो so जोसेफ ये किस कंट्री के पीएम एम है जिन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस किया है ड्यू टू कंट्री में काफी किडनैपिंग एंड ये सब चीजें हो रही थी करप्शन इसलिए सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी हेती नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम मे मेनी ऑफ आर यू लिसनिंग दिस कंट्रीज कंट्री नेम हेती सो so हेती कहाँ पर है बेसिकली ये जब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में जो करेबियन सी है इसके पास है सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका एंड यहाँ एक छोटी सी कंट्री है इसका नाम है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हेती सो okay? so, 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 अब हेती की जो कैपिटल एंड करेंसी इम्पोर्टेंट है हेती की जो कैपिटल है वो है पोर्ट सॉरी पोर्ट उन प्रिंस पोर्ट उन् प्रिंस एंड यहाँ की जो करेंसी है दैट इज गॉर्ज जी यू आर डी जी ओ यू आर डी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री रिसेंटली आर प्रज्ञानंदा हैज वॉन द पोलर चैलेंज सॉरी पोलगर चैलेंज टू ट्वेंटी वन ही हेल्स फ्रॉम विच सिटी क्योंकि आर प्रज्ञानंदा uh, सबको पता है चेस से रिलेटेड है इसलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं ये किस

सो आरटीमिस आर टीमिस मिशन के थ्रू नासा जो है वो अपनी फर्स्ट वुमेन को मून पर भेजेंगे सो ये ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक करेंगे ऐसा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अंडर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव एज पर फेसबुक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट स्टडी वॉट इज इंडियाज रैंक इन इंटरनेट इंक्लूजन एंड जेंडर इनइलिटी इन एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब सो एज़ एज़ पर दिस फेसबुक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट स्टडी इंडिया की रैंक क्या है इंटरनेट इन्क्लूजन यूजेज में एंड जेंडर इनक्वालिटी में मतलब कितने लोग कितने मेल हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं एंड कितने फीमेल हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं अक्रॉस इंडिया सो इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंकिंग है वो वर्ल्ड वाइड वैब में कितनी है ओवरऑल जो वर्ल्ड में इतनी इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है सो so,

मिनिस्टर हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं एंड यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं सो इनकी जो बुक आई थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ वो लिखी थी सदगुरु पाटिल ने ठीक है वो जो बुक थी वो लिखी थी सतगुरु पाटिल ने और अभी ये जो दोबारा बुक आई है मनोहर परिकर परी मनोहर परिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल माई लाइफ ये जो बुक है वो लिखी है नितिन गोखले ने सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोनों बुक इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इंडिया विद विच कंट्री ट फॉर कॉपोरेशन फॉर द कंट्रीज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गगनयान में हमारी मदद करेगा फ्रांस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी एट हुए नेशन रिकॉर्ड इन फिफ्टी मीटर बैक स्ट्रॉक वाइल विनिंग हिस्स सेकेंड गोल्ड ऑफ द उजबेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप सो so, इनका और बैक बेकस्ट्रॉक फिफ्टी मीटर बैक बैकस्ट्रॉक में इन्होंने नेशन ने रिकॉर्ड बनाया है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर स्विमर नटराज सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ना वर्ल्ड जो मैंने आपको स्पोर्ट्स टर्म्स बताए थे वो आपने वीडियो आई होप देख ली होगी स्टार्टिंग में कुछ यू you नो know, क्योंकि माइक की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी थी बट ओवरऑल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखनी चाहिए उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर है एंड जो मैंने आपको बताया जो हुक वर्ड है वो आपको एक बार सर्च करना है क्योंकि वो आपका बॉक्सिंग से भी रिलेटेड है और एक और स्पोर्ट्स से जो आप बोल रहे थे बेसबॉल तो वो आप देख लेना एक बार या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी ओके सो स्विमिंग से बेसिकली जो वर्ड्स रिलेटेड हैं दैट इज़ बैक स्ट्रॉक एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट बटरफ्लाई बटरफ्लाई एंड बैक स्ट्रॉक ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि स्विमिंग से रिलेटेड है

तो अभी जो इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फाइनल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी वट इज इंडियाज रैंक इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट बाई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सो ये इंपॉर्टेंट है इंडिया की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जर्नलिस्ट को या फिर प्रेस को कितनी आजादी है इंडिया के अंदर उसके बेसिस पर जो इंडिया की रैंकिंग है वो क्या है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दैट इज वन फोर्टी सेकेंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वन फोर्टी सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडेक्स एंड दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन रिसेंटली टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल हैज इनागरेटेड द फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन विच सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टूरिज्म मिनिस्ट्री ने जिसके मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल उन्होंने इनाग्रेशन किया है एक ऑनलाइन एग्जीबिशन का वो किस पर बेस्ड है थीम क्या है उसकी ऑप्शन आर रामायण महाभारत हवा महल या साई बाबा सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए रामायण प्रहलाद सिंह पटेल है फर्स्ट एग्जीबीशन ऑन रामायण दिंकेंड ट्वेंटी रिपोर्ट बाई यूएस न्यूज एंड बैव ग्रुप विच कंट्री टॉप्ड द लिस्ट सो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री कौन सी है एज पर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वर्ल्ड बेस्ट कंट्री कौन सी सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दट इज न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन बने हैं सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सुशील चंद्रा इससे पहले कौन थे सुनील अरोरा तो नाम ऑबियसली थोड़े मिलते जुलते हैं बट आपको याद रखना है सुशील चंद्रा इज द न्यू चीफ इलेक्शन सीई ऑफ इंडिया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर रिसेंटली मिशन हैज बाय डॉक्टर हर्षवर्धन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने न्यूट्रिशन पर एक अवेयरनेस लॉन्च किया है अवेयरनेस अवेयरनेस लॉन्च किया है तो इसका नाम क्या है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आहार क्रांति सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जिसकी थीम रही रखी गई है शुद्ध आहार एंड शुद्ध विचार नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर पंडित राजन मिश्रा हैज अवे ही सो so, ये इंपॉर्टेंट है पद्म भू सॉरी पद्म भूषण अवार्डी भी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है पंडित राजन मिश्रा हैज पासड अवे ही वॉज अ सिंगर सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर

सो फाइव जी जो जो एक सिग्नल स्टेशन है वर्ल्ड के हाईएस्ट रडार लोकेशन पर ये ओपन किया गया है बाय विच नेशन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चाइना एंड दिस इज ओपन नियर हिमालय दैट इज गानबाला रडार स्टेशन वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं आपके लिए बस आपको ये याद रखना है कि जो फाइव स्टेशन है वो किस कंट्री ने लॉन्च किया है हाइएस्ट स्टेशन से करेक्ट आंसर इज चाइना नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इन विच सिटी द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप विल बी हेल्ड फ्रॉम नवेंबर नवंबर ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी नाइन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो ये इंपॉर्टेंट है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये कहाँ होस्ट की जाएगी नवंबर के अंदर सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हॉस्टन इन यूएसए सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा एंड डॉ हर्षवर्धन अर्जुन मुंडा जो कि ट्राइबल मिनिस्टर हैं एंड हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च ट्राइबल हेल्थ कैलोबरेशन नेम इट है ना क्योंकि दोनों मिनिस्टर हैं तो इन्होंने कोलाब कोलाटली एक अ, 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 मिशन लॉन्च किया है सो so, इस मिशन का नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों मिनिस्ट्री ने मिलकर लॉन्च किया है तो ये एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए Anamaya. Anamaya, option A is the correct answer. Next is question number 50. Which of the following has launched its artificial intelligence portal, SUPACE? So, the correct answer for this question is option C, Supreme Court of India. And this is important because this artificial intelligence belongs to SC, uh, sorry, CGI, uh, sorry, Supreme Court of India. So, this is important. एस यू पी एसी इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लिए लॉन्च किया है फॉर इंक्रीज द कोर्ट एफिशिएंसी सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर हु अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट न्यू सेक्रेटरी रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया है करेक्ट आंसर इज तरुण बजाज ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बजाज से ऐसे याद रख लो क्योंकि रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं तो रेड से रिलेटेड है बजाएंगे सबकी अगर किसी ने काला धन जमा करके रखा होता नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू हैज लॉन्च सार्थक इनिशिएटिव फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन ई पी एन ई पी इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सो सार्थक ऐप इनिशिएटिव किसके थ्रू लॉन्च किया गया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफकोर्स दैट इज जो कि एच आर डी मिनिस्टर है मतलब अब जो नाम है एजुकेशन मिनिस्टर रख दिया गया सो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इनके थ्रू ये लॉन्च किया गया है सार्थक इनिशिएटिव सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए और ये काफी न्यूज में भी था तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम में आपके जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो यूनियन मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया है, है और प्लस उसमें मतलब कुछ खास इनिशिएटिव है वो लाइक like हेल्थ से या फिर टूरिज्म से या फिर एजुकेशन से इसलिए या ट्राइब से सो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च एन इनिशिएटिव सार्थक विच विल हेल्प द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन द कंट्री सो ये आपको नाम याद रखना है सार्थक नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री जो दिशा पोर्टल है वो भी किससे रिलेटेड है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया है लेकिन वो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है फॉर टीचर्स ट्रेनिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इज हु हैज रिसीव्ड छत्तीसगढ़ वीर वीर वीरनी आ, अवार्ड सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दूती चांद जो कि, कि स्प्रिंट रनर है सुदूती चांद द जकार्ता एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट इन 100 एंड 200 मीटर्स विल रिसीव छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54 रिसेंटली विच इंडियन रेसलर वाज इंडक्टेड इनटू WWE हॉल ऑफ फेम 2021 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 2021 के WWE हॉल ऑफ फेम से किस स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड ये नवाजा गया है है ना ये खिताब दिया गया है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ग्रेट सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इज डब्ल्यू डब्ल्यू की रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव एज है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एनए डी ए नाडा हेडक्वार्टर इज इन कैनेडा सो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जो नए डायरेक्टर जनरल है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं किसको अपॉइंट किया गया है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिद्धार्थ सिंह सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सिद्धार्थ सिंह सिद्धार्थ सिंह लॉन्ग जाम न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा नेक्स्ट इज क्वेश्चन विच कंट्री एट एज इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट सो नौरी ऑल मतोश्री फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ये किस नेशन की है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दैट इज यू ए ने एक राशि मिशन भी लॉन्च किया है मून के लिए सो so ऐसे ही इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिटी कहाँ होस्ट किया जाएगा So, ये जो इवेंट है ये होस्ट किया जाएगा दिस इज ऑप्शन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर शिवेली सो दिस इज द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इन शिवेली इन 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वन हंड्रेड एंड फोर्टी एथ एक सौ रैंक है इंडिया की और इसमें बारह टाइम से अब, अब तक ये ट्वेल्थ टाइम है कि आइसलैंड ने ही इसको टॉप किया है इन ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में सो इट इज द आइसलैंड इज द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन हु हैज बीन कन्फर्ड विद कलिंग रत्न अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो इनमें से किसको कलिंग अवार्ड कलिंग रत्न अवार्ड 2021 ट्वेंटी वन से नवाजा गया है कंफर्ट किया गया है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी विश्वभूषण हरिश्चंद विश्वभूषण ये कौन है ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है भूटान लिख दिए विश्वभूषण हरिश्चंद्र ये रिसीव्ड इन्होंने रिसीव किया है कलिंग रत्नावर्ण ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज नोटेड मराठी राइटर डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले विल रिसीव सरस्वती सम्मान 2022 20 सॉरी फॉर हिज व्हिच बुक इनके किस बुक के लिए डॉ शरण कुमार लिंबाले नाउ दिस वर्ड दिस नेम इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपसे नेम ही पूछ लिया जाता है जनरली तो 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार को और इनकी किस बुक के लिए दिया गया है सो so, इनकी बुक है सनातन इसके लिए इन्हें दिया गया है सरस्वती सम्मान 2020 के लिए 20 का नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61 वन द टू थाउजेंड बॉक्सिंग वर्ल्ड जो टू का मेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये कहाँ होगा किस कंट्री में होस्ट होगा सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ताशकंद में होस्ट किया जाएगा मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 वाला नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62 इन विच स्टेट इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट अप सो इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्लोटिंग पावर सोलर स्टेशन सोलर प्लांट ये कहां एस्टेब्लिश किया जाएगा सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज तेलंगाना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री रिसेंटली सॉरी अंबोली इन विच स्टेट वॉज डिक्लेयर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट सो ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है वेस्टर्न घाट्स में महाराष्ट्र के अंदर अंबोली जिसको एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी महाराष्ट्र अब आपको सिर्फ याद रखना है अंबोली वर्ल्ड सॉरी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये और कहां पर है महाराष्ट्र के अंदर। फॉलोइंग कंट्रीज विल द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज नीम ली शांतिर सो इंडियन आर्मी जो पार्टिसिपेट करेगी एक मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में जिसका नाम है शांतिर उग्रसेन 2021 ये कहां पर की जाएगी परफॉर्म सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बांग्लादेश सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65 हु विल करेक्टर प्रेस्टिजियस फिफ्टी फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर दर टू थाउजेंड सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द सुपर स्टार रजनीकांत सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सुपर स्टार रजनीकांत वॉन दिस गिवेन टू दिस दादा साहब फाल्के अवार्ड टू थाउजेंड नाइनटीन एंड टू थाउजेंड एटीन का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो मिला था अभिताभ बच्चन जी को उससे पहले मिला था विनोद खन्ना को नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी जी डी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सुमन चक्रवर्ती नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय नीति आयोग टू प्रमोट एंड सपोर्ट डीप साइंस बेस्ड स्टार्टअप क्योंकि ये प्रोग्राम नीति आयोग द्वारा है इसलिए इम्पोर्टेंट है एंड साइंस से भी रिलेटेड है इसलिए भी सो so, इसमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है टू प्रमोट द साइंस बेस्ड स्टार्टअप जितने भी साइंस बेस्ड स्टार्टअप होंगे बिजनेस वगैरह स्टार्ट होंगी साइंस से रिलेटेड सो so, वो ये लॉन्च लॉन्च किया है उसके लिए सपोर्ट के लिए नीति आयोग ने सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया की पहली ये इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन बना है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेस्टर्न सेंट्रल जोन सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वेस्टर्न सेंट्रल जोन एंड दिस इज आर रेलवे मिनिस्टर पियूष गोयल सो दिस इज गाइज एंड ऑफ द वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एवरी क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रोस्पेक्ट से मैंने प्रोवाइड किए हैं ओके आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मोर वीडियोज विल बी प्रोवाइडेड सुन ओके गाइज थैंक यू